एक तरफ तो शासन किसानों की उन्नत के लिए नई नई जन कल्याण योजना बना रही है, वहीं शहडोल जिले के देवरी गांव डैम से लगातार पानी बहने के कारण 10 किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं। मैं कैलाश सिंह मरावी, यह मेरा समुदाय। हमारी समस्या बंधा के गेट से पानी का लीकेज है। यह समस्या कब से है? ये 5 साल से ये समस्या है, खाने पीने तक की लगी है। अभी वर्तमान में परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है? अभी वर्तमान में हमारा गांव से बनी मजदूरी, रीवा चले गए, वहां से मजदूरी करके और रीवा सतना से हमारा गुजर चल रहा है। आपके खेत में पानी भरा है, इसे क्या दिक्कतें हो रही है? इसे हम ये रबी का फसल नहीं ले पाते हैं, गेहूं रबी का फसल नहीं ले पाते हैं, इसे हमें भारी नुकसान है। खाने पीने, शिक्षा दीक्षा, बाल बच्चों को शिक्षा दीक्षा के लिए हमें भारी क्षति हो रही है। आपके कितने एकड़ ज़मीन में पानी आ रहा है? 2 एकड़ 70 डिसमिल। इस समस्या को लेकर किसी अधिकारी के पास गए हैं? पंचायत में गए हैं। आगे आप क्या कहना चाहते हैं? आगे हम यही चाहते हैं कि हमारे इस समस्या का निदान हो जाए, समस्या दूर हो जाए, क्योंकि भाई हमारा जीविका तो यही है, इसे जीविका नहीं चल पा रहा, कहाँ जाएंगे? इसके लिए मैं वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करता हूँ कि वे हमारे यहाँ के कलेक्टर महोदय मुकेश शुक्ला जी, इनके द्वारा बदलाव आ सकता है, जिनका मोबाइल नंबर है 94-25-14-18-35 पर कॉल करें। मैं कैलाश सिंह मरावी, इंडिया अनहर्ड के लिए।